गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में अपनों ने क्या देखे थे? लूप्स देख लिए थे। लूप्स में अपनों ने दो टाइप के लूप देखे थे, एक तो कंडीशन बेस्ड इटरेशन वाले, कंडीशन बेस्ड जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। इटरेशन मतलब वो क्या होता है, किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है। तो जैसे कि हमने देखा था लूप्स जो होते हैं, इसमें हमने देखा था फोर व्हाइल डू व्हाइल, यही बेसिक लूप आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बट स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि फॉर लूप भी होता है, व्हाइल भी होता है, डू व्हाइल भी होता है। अच्छा, व्हाइल लूप जो होता है, अगर मैं थोड़ी बहुत इनकी नफली बात करूँ तो व्हाइल लूप में क्या होता है, आपको किसी भी, यहाँ पर क्या होती है, कंडीशन पास करना होता है। कंडीशन कैसे पास करना होता है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। चलो मैं इनको लूप्स ऑफ लूप बताऊंगा, जब एक सीक्वेंस में बताएंगे हम कैसे सीक्वेंस में, मतलब लूप के अंदर भी अगर मल्टीपल टाइम्स हम क्या लूप यूज करें ना, उस टाइम आपको एक एक चीज की डेफिनेशन बता के बताऊंगा। अभी देखो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ व्हाइल लूप क्या करता है, किसमें क्या होता है, कंडीशन पास होती है। कंडीशन पास की अगर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये क्या करता रहेगा, तब तक उस क्या क्या करता रहेगा, उस कोड को, मतलब उसके अंदर लूप की जो बॉडी के अंदर आपने कोड लिखा है उस कोड को क्या कर पाएगा, ये बार बार उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ डू व्हाइल क्या करता है, अब डू व्हाइल का मतलब ये हो गया कि ये पहले करो फिर चेक करो। डू व्हाइल का मतलब तो अपनों को पता है कि व्हाइल जो व्हाइल लूप की तरह करते हैं। डू मतलब अगर डू अपने नॉर्मल वर्ड इंग्लिश को मैप करें तो डू का मतलब था करना। तो पहले ये क्या करता है, पहले इटरेट करता है फिर कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा फिर से उसको एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करना करेगा फिर से उसको रन करना शुरू कर देगा, एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, जो भी कह लो आपने अपनी लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, बट उसको क्या होता है एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। एग्जीक्यूट करना रन करना सेम ही होता है, टेक्निकल वर्ड्स है बस, ओनली इतना समझना आपको। तो ये कर देगा, अगर मान लो कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केसेस में ये क्या करता है, इस केसेस में ये क्या करता है, उसको टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट करना मतलब यानी अगली स्टेप पे, अगले स्टेटमेंट को, अगले स्टेटमेंट पर जंप कर जाना, मतलब लूप के बाहर का जो भी स्टेटमेंट रहेगा आपका वहां पर ये क्या करने लग जाएगा, आगे आ जाएगा और आगे कोड क्या होने लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। अब फोर लूप है, अब फोर लूप का क्या सिंटेक्स है, फोर लूप भी है, ये ऐसा लूप है, इसमें क्या होता है आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ता है। किसी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे जिस वेरिएबल के थ्रू आप क्या करोगे इटरेट करना चाहोगे, तो उस वेरिएबल के लेके आप फिर क्या करोगे कंडीशन लिखोगे, कंडीशन लिखोगे एंड देन लास्ट जो सेकेंड, इसमें क्या तीन स्टेटमेंट में लूप बैठा हुआ रहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, सेकेंड में कंडीशन आती है और थर्ड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रहता है। ये चीजें कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाई, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हम इसको बीच में यूज करेंगे ना, तो आपको क्लियरली थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, लूप की बॉडी होती है। अब पहले वेरिएबल, अब वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, वो सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट क्या एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, मतलब ट्रू फॉल्स में रिटर्न आता है, तो कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या करेगा ये उस लूप की जो बॉडी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अगर उसकी कंडीशन फॉल्स रही तो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू रही तो ये क्या करेगा, फिर लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, जैसे ही वो कंडीशन लूप की बॉडी क्या होगी प्रॉपर पूरी एग्जीक्यूट होगी, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद वो लास्ट वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या रहेगा, एग्जीक्यूट होगा, और वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर से क्या चेक होगी, कंडीशन चेक होगी। तो फॉर लूप आपको ये भी चीज क्लियर है। अगर आपको लूप की सारी नहीं है तो अपने पास दो लेक्चर है, आराम से आप उन सबको देखो। नहीं समझ में आ रहा है, मैं हूँ आज, मैं आप थोड़ा सा इनको थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ लूप के अंदर लूप। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रीवियस लूप को भी एक्सप्लेन करूँ और देन उसके अंदर वाले लूप को भी एक्सेस करूँ, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या हो रहा है, लूप के अंदर लूप ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, नेस्टेड लूप, है ना। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एको लूप होना, इसको नेस्टेड लूप बोलेंगे। तो हमारा अपना नया टॉपिक हम बात कर रहे हैं इसको, तो ये लूप्स के अंदर ही हमने क्या रखा, नेस्टेड लूप, ठीक है ना। मैंने सेवन नंबर का जो टॉपिक खाली रख रखा था वो उसका मतलब ये था कि नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप में क्या आएगा देखो मैं बताता हूँ। नेस्टेड लूप में है ना, आप कोई सा भी लूप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कोई सा भी लूप आप क्या कर सकते हो नेस्टेड लूप के अंदर। एक लूप के अंदर अगर आपका दूसरा लूप चल रहा है, कोई सा भी इनमें से छह, जो मैंने छह बताया, ये छह जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैप शायद गायब हो गया हमारा, तो अगर मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँ तो मैं मैप को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। सेवन पर अगर अपना आएगा तो मैप मेथड है ना, जावास्क्रिप्ट की मैप मेथड काफ़ी फेमस मेथड है, इसको मतलब ऑब्वियसली सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर है वो मैप मेथड से नहीं की देता है। तो मैंने इनका भी एक्सप्लेनेशन कर रखा है आपको कि मैप और फॉर ईच वगैरह वगैरह इनमें क्या डिफरेंट होता है,
चीजें अपनों ने एक्सप्लेन कर रखी है समझ में आ जाएगी, इजीली समझ में आएगी। नहीं समझ में आती तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं फिर भी समझाऊंगा आपको। बट बात आज कर रहे हैं नेस्टेड लूप की। अब नेस्टेड लूप कैसे क्या काम करता है मैं बताता हूँ आपको। एक लूप के अंदर अगर कोई लूप आ जाता है ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब तक पहला लूप एग्जीक्यूट होगा, पहले लूप में पहले क्या होगा, पहला लूप एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट फाइल जो कंडीशन चेक हुई लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा उसको फिर से लूप मिल जाएगा। तो वो फिर अंदर वाले लूप को जब तक एग्जीक्यूट करेगा तब तक, जब तक कि वो पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और उसके बाद फिर क्या होगा बाहर वाले लूप की बची बची हुई वो चल जाएगा। अब फिर से बाहर वाला लूप क्या होगा, फिर से री एग्जीक्यूट होगा, अगर उसकी कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से अंदर वाला लूप भी आ जाएगा। तो चलो एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड लिख देता हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे जाके एक फाइल का कॉपी कर रहा हूँ, मैंने कॉपी कर दिया, इसको रीनेम कर देता हूँ नेस्टेड लूप की डॉट जेएस के नाम से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने ये कंसोल लॉग हट दिया, और लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में कुछ लेक्चर में मैंने बताया था कि डेवलपर्स अपने प्रोग्रामिंग को दूसरे डेवलपर के लिए समझाने के लिए कैसे कमेंट्स डालता है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, आपको समझ में आ गई होगी जहाँ तक कि मुझे पता होगी। अगर हम बात करें कि कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, तो हम कैसे ऐड करते हैं, देखो ये हमारे कमेंट ऐड करने का तरीका होता है। इससे क्या होता है, अब देखो आप नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हो, एक सिंपल सा वो बन रहा है, ये क्या होता है हमारे डेवलपमेंट करने में, हम क्या अगर इसमें क्या करेंगे, किसी न किसी फंक्शन के बारे में लिखेंगे, या हो सकता है फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं ये क्या क्या पैरामीटर ले रहा है, तो हम इसमें अपनी क्या डिटेल लिखेंगे, जो भी आप ब्लॉक ऑफ कोड कर रहे हो उस कोड के बारे में आप लिखोगे, तो आपकी क्या होता है कि आपका दूसरा जो डेवलपर है वो इजीली इस चीज़ को क्या कर पाए, समझ पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जैसे कैसे क्या लिखते हैं, जैसे मान लो मैं एट द रेट लगा के लिख देता हूँ पराम, तो ये क्या होता है क्या क्या पैरामीटर लेगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एट द रेट लगा के फिर से रिटर्न, अब देखो ये लाइन कोड एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और आज भी लिख के बता रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं इसको रन करूंगा, आज मैं आपको गिटबेश में रन करके बता रहा हूँ ताकि इसको क्या कर सके हम बड़ा भी कर पाए। गिटबेश एक्चुअल में क्या है, सीएमडी ही है, सीएमडी मतलब टर्मिनल कमांड लाइन। तो देखो मैं यहाँ पे क्या रन करूंगा नोड, अब मैं नोड के थ्रू रन कर रहा हूँ यहाँ पर है ना इसको, और नेस्टेड डॉट जेएस देखो हेलो डेवलपर, मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने इसमें लिखा क्या लिखा, ये चीज लिखा मैंने क्या लिखा, अब देखो दोनों चीजों को देखो, तो देखो अब यहाँ पर क्या हेलो डेवलपर लिखा मैंने, उसके बावजूद अगर देखेंगे इधर तो सिर्फ हेलो डेवलपर ही आया, ऊपर की सारी कोई कमेंट्स नहीं आए। अगर मैं यहाँ पे कोई और मैसेज भी छोड़ देता हूँ लाइक दैट, अगर मैंने और लिख दिया, और अगर मैं फिर से रन कर रहा हूँ उसको देखो तो क्या आया, हेलो डेवलपर ही आया, समझ में आया ना आपको। तो ये क्या हो गई, ये फंक्शन के लिए ये कमेंट्स ही हैं, पर ये क्या होता है यूजर अपने डिजाइन के हिसाब से लिखता है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइप की कमांड्स आपको क्या मिलती है, देखने को मिलती है। जैसे कि बात करूँ मैं देखो कॉन्फिग के अंदर मैंने बता दिए, अगर ये देखो तो ये कुछ अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग डेवलपर ने कोड लिखा था, उसने उसका लिखने का तरीका देखो, देखो किस टाइप से उसने कमेंट लिख रखी है पूरी पूरी, देखो ये फंक्शन क्या लिखा, ऑटो लोडर लिख दिया, दिस फंक्शन दिस फाइल स्पेसिफिक विच सिस्टम शुड बी लोडेड बाय डिफॉल्ट, तो मैं डिफॉल्ट लोडिंग का काम करता है, ये क्या क्या लेता है, देयर आर द थिंग यू कैन लोड ऑटोमेटिकली, ये क्या क्या लोड आप ऑटोमेटिकली लोड कर सकते हो, पैकेजेस लाइब्रेरी ड्राइवर हेल्पर फाइल्स कस्टम कॉन्फिग फाइल लैंग्वेज फाइल मॉड्यूल्स, आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, सब चीज़ें अपने अपने अलग होती हैं, ठीक है ना। तो अब इनकी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे इसकी। अब मैं नेस्टेड लूप आपको समझाऊं, तो देखो मैंने आपको इतना बता दिया कि नेस्टेड लूप जो होंगे लूप्स जो हैं वो क्या होंगे, लूप ऑफ लूप भी बोल सकते हैं इसको, है ना, इसको क्या हम लूप ऑफ लूप भी बोलेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, देखो सबसे पहले मैंने कंसोल लॉग करा, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फोर लूप को, किसको ले रहा हूँ, फर्स्ट में ले रहा हूँ फोर लूप को, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कमेंट सेट कर देता हूँ, मल्टी लाइन अगर कमेंट करना चाहूँगा मैं यहाँ पर, देखो ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट कर दी, और मैं यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ फोर लूप ले रहा हूँ ना, फोर लूप के लेके कर रहा हूँ मैं, फोर लूप को एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा सा। तो फोर लूप क्या होता है, फोर लूप अब देखो मैंने आपको बताया फोर लूप का आपको सिंटेक्स मैंने पहले प्रीवियस बताया, मैं आपको डायरेक्ट लूप भी क्लियर कर रहा हूँ और लूप को समझाने की कोशिश करूँ। तो फोर लूप जो एग्जीक्यूट होगा वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, मैं टेब लगा के आगे लेके आ जाता हूँ, फोर
पहला स्टेटमेंट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट, मैंने क्या करा आई इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ पहला स्टेटमेंट हो गया। अब पहला स्टेटमेंट हुआ तो मेरे को सेमी कोलन लगाना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट मैं यहाँ पर चेक करवा लिया, आई जो है आई है वो क्या हो छोटा हो या बराबर हो कहाँ तक के 10 के, ठीक है। ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। तब तक मैं क्या करूँगा आई को क्या करूँगा यहाँ पर प्लस प्लस कर दूंगा। अब आई का प्लस प्लस मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा रहा है। प्लस प्लस ऑपरेटर अपने पढ़े थे, माइनस माइनस डबल अपने पढ़ा था कि ये क्या करता वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है, तो इनको क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये चीज़ समझ में आई। अब लेट अपनों ने देखा आई मैंने क्या करा यहाँ पर डिक्लेयर करा आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या करा ये भी जीरो सेट कर दी। इनिशियली मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या करा ये करा। अब यहाँ पर मैंने चेक क्या करा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज करा देखो, और फिर मैंने क्या कंपेरिजन करा, कंपेरिजन करा वैल्यूज के बीच में क्या करा कंपेरिजन करा, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो ये लूप चल रहा है। अब मगर इसको कंसोल लॉग करके दिखाऊंगा आपको, तो ये वैल्यू को क्या करूंगा मैं यहाँ पे सिर्फ कंसोल लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग। अगर यहाँ पर मैं आई की वैल्यू को कंसोल लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, देखना आप क्या होगा। अगर कंसोल लॉग कर रहे हैं तो यहाँ पे जेरो सेट कहाँ तक प्रिंट हो गया 10 से। अब मेरे को चाहिए यहाँ पर मेरे को 1 से चाहिए, तो मैं ये 1 इनिशियलाइज कर दूंगा। देखो मैं कर करके देख रहा हूँ आज, देखना अब क्या हुआ 1 से 10 तक कहाँ तक आया वो 10 तक। अब क्या हुआ 1 का हुआ है क्या हुआ, जब ये एक्सक्यूट हुआ तो इसने पहले आई की वैल्यू क्या रखी 1 रखी। इसने चेक क्या करा था, क्या करा चेक आई 1 से छोटा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 10 के, कंडीशन क्या हुई ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि 1 छोटा होता है 10 से, ठीक है ना, ग्रेटर देन बात करें तो छोटा होता है, कंडीशन ट्रू हुई। अंदर आया कंसोल लॉक क्या करा उसने आई को कंसोल लॉक कर दिया, आई को कंसोल लॉक कर दिया, ठीक है ना, आई को कंसोल लॉक कर दिया ना। अब देखो ये तो चीज़ हो गई मेरे को यहाँ पे। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को यहाँ चाहिए कि मेरे को ये चाहिए कि मेरे को इसको क्या करना है, मेरे को टेबल प्रिंट करनी है 1 से लगा के 100 तक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो 100 तक प्रिंट करने तो मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये मेरा 10 तक ही चल रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा 100 तक अगर मेरे को नंबर प्रिंट करने तो मैं 100 नहीं करूँगा, मेरे को 1 by 1 प्रिंट करने। कैसे प्रिंट करने हैं, लूप के अंदर लूप प्रिंट करने, मतलब 1 से लगा के 10 प्रिंट करने हैं, फिर 11 1 1 1 प्रिंट करने, ठीक है ना, आपको समझ में आया। कैसे प्रिंट करेंगे, एक एक सीक्वेंस में प्रिंट करेंगे सीक्वेंस में। तो इसको क्या करेंगे हम कंसोल लॉग करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये लूप आपको समझ में आएगा, ये लूप कैसे चला 1 by 1 इंक्रीमेंट करता चला। जैसे 11 हुआ उसने क्या करा कंडीशन फॉल्स हुई, कैसे फॉल्स हुई क्योंकि 11 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता है, मतलब 11 10 से छोटा और बराबर नहीं होता है, तो वो क्या हुआ फॉल्स हुआ। ये कौन सा ऑपरेटर है अभी यहाँ मेरे को कौन सा है लेस देन, ठीक है कंफर्म करते हैं। ऑपरेटर हमने पढ़े हैं और रेफरेंसेस के लिए अपने ये लिया था, तो ऑपरेटर ऑपरेटर ये रहे, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड्स में। ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं ये सॉरी लेस देन वाला ऑपरेटर। अभी तक मैं सारे वर्ड यूज कर रहा था वो गलत यूज कर रहा था, तो मिस्टेकली मुझे क्या होता है कि मैं खुद में कंपैरिजन में क्या होता है वर्ड्स जो होते हैं वो नहीं आते हैं। देखो अपनों ने ये लेस देन यूज करा, लेस देन टू इक्वल टू बात कर रहे हैं, अभी मैं बोल रहा था ग्रेटर देन पर लेस देन वाला है। ये कौन सा वाला ऑपरेटर अभी यूज कर रहे थे हम, लेस देन वाला, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे थे। तो अगर आपको नहीं समझ में आते हैं ऑपरेटर, तो आपको ये क्या है ऑपरेटर का पूरा जो इन्होंने चैप्टर दे रखा है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। हमने भी ऑपरेटर के बारे में उस टाइम बात की थी, पर क्या होता है कि वर्ड्स हम मिसिंग चलते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, गलती एक्सेप्ट करना चाहिए, गलती हम करते हैं उस चीज़ को मानना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है लाइफ में। एक चीज हमेशा याद होनी चाहिए कि जब भी कोई गलती करा हमें उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा ये अब लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, अब देखो काम खत्म हुआ। अब मेरे को 10 तक चाहिए लेट, अगर फिर अब मैंने यहाँ पे क्या करा मैंने फिर से 4 लिया। अब 4 यहाँ पे मैंने क्या कर दिया लेट जे इज इक्वल टू 1, सेम कंडीशन रख दी मैंने, क्या रख दी मैंने सेम कंडीशन रख दी, और जे लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 10 के। तब तक आप क्या कर दो जे को क्या कर दो, जे को क्या कर दो इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। अब देखो फिर से लूप लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा जे लिखूंगा या आई लिखूंगा। अब जे लिखूंगा तो जे जितनी टाइम चलेगा उतनी टाइम चलेगा, है ना। अब देखना यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि यहाँ पर ये क्या हुआ मेरी आई है, ठीक है ना, अभी के केसेस में देखना, अभी मैं इसको लिखना शुरू करूंगा, ठीक है। अब मेरा लूप चलेगा, अब मेरा लूप कैसे चलेगा मेरे को बताओ,
10 तक चल रहा है, तो क्या एक कितना लंबा छोड़ा एग्जीक्यूट होगा मेरे को बताना। काफी लंबा एग्जीक्यूट होगा, देखो इसमें क्या रहा, हर बार 10 ही प्रिंट हो रहा है। नहीं अब देखो इसमें क्या हो रहा है, वो हर बार 10 ही प्रिंट कर रहा है, 10 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है आप मेरे को बताओगे? क्योंकि वो तो 1 से स्टार्ट होगा ना हर ये हर टाइम 1 से स्टार्ट होगा और ये 1 से 10 तक ही चलेगा, ठीक है ना? तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई आई असाइन कर देते। अगर मैंने जे की वैल्यू क्या रख दी, आई रख दी, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2 से स्टार्ट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है फिर भी? देखिए अब मेरे को चाहिए टेबल प्रिंट करना। टेबल किस टाइप से? मेरे को टेबल इस टाइप से, मैं कि नॉर्मली अगर मैं बताऊं मेरे को टेबल प्रिंट कर, नंबर सिस्टम प्रिंट करना। आप नंबर सिस्टम ऐसे बात करेंगे, हम कर करके देखते हैं। आज मैं आपको कर करके दिखाऊंगा, सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं आता, मेरे को कर करके दिखाना है। कर करके कैसे दिखाएंगे, ताकि आपको भी तो समझ में आए। अब देखो ये क्या करने लग गया, इसने क्या करा, 10 तक प्रिंट करा, फिर 2 से 3 टेन तक अब वो कर रहा। अब ये ऐसे तो कोई प्रिंट हो नहीं रहा है ना प्रॉपर, अभी भी नहीं हो रहा है। मेरे को टेबल चाहिए किस टाइप फॉर्मेट में, पहले 1। देखो सिंपल सी बात है, अगर नया लूप चल रहा है ना, अपने को इतना पता है कि लूप चल रहा है, मेरे को क्या करना है यहाँ पर टेबल प्रिंट करवानी है। टेबल प्रिंट करवानी है तो मतलब मेरा अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्या हो रहे, गलत हो रहे। मैं यहाँ पे फिर से इसको मैं क्या करूँगा, 1 से इनिशियलाइज करूँ। अब कंसोल लॉग में ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने लॉजिक जो बिल्ड कर रहे हैं वो गलत दिख रहे हैं। अब मेरे को टेबल प्रिंट करनी, मान लो मैं टेबल प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ, कौन से टेबल प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ, मैं अगर एक्सेल में आपको दिखाऊँ कि मेरी टेबल किस टाइप की रहेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी टेबल जो बने, एक ब्लैंक टेबल की बात कर लें, टेबल तो जैसे कह रहे थे, जैसे कि अगर 2 की टेबल की बात करें, ठीक है, तो 2 क्या आएगी, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। अगर ये टेबल वाली बात करें, अगर इसी टेबल की अगर बात कर लेते, यहाँ पर क्या आना चाहिए, अभी क्या आना चाहिए मेरे को ये बताओ। मल्टीपल्स आएंगे ना यहाँ पर, मल्टीपल आएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे, 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इससे अगर मेरे को टेबल प्रिंट करनी है, अभी मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 की टेबल प्रिंट हो, है ना, तो 2 की टेबल प्रिंट होगी तो कैसे प्रिंट करेंगे। नॉर्मल अगर 1 टेबल मेरे को प्रिंट करनी है, मैं चाहता हूँ कि 10 तक प्रिंट हो, अभी मेरे को चाहिए कि मेरे को सिर्फ कहाँ तक प्रिंट हो, मेरी 2 की टेबल प्रिंट हो। अभी देखो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, आई मल्टीप्लाई जे कर दूंगा। अब क्या होगा आप मेरे को बता सकते हैं? देखो अभी जे स्टार्ट होगा, अभी देखते हैं, करके देखते हैं ना, इसको समझ में आएगा अपने को। देखो उसको 10 तक ना करते हुए हम अब क्या करेंगे, 2 तक ही रन करेंगे इसको, टू टाइम ही रन करेंगे, तो 1 की और 2 की प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ हमने 10 ही रखना है, क्योंकि 10 टाइम तक रन करना, हमें 2 टाइम ही रन करना है, क्योंकि 10 टाइम में काफी बड़ा स्क्रोल हो रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो अब क्या हुआ, 1 2 3 4 10 तक आ गया, 2 4 6 8 12 20 हुआ। ये तो हो गई टेबल की बात, ये कौन सी टेबल बन गई, अब टेबल बन गई। अब मैंने 2 तक चाहिए, अब मेरे को 10 की टेबल चाहिए, तो मैं 10 की टेबल कैसे प्रिंट करूंगा? यहाँ पर अगर मेरे को 10 तक की टेबल चाहिए, 10 तक की चाहिए, मैंने यूँ बोला 10 की, अगर 10 की चाहिए तो आप क्या करोगे, इस लूप को हटा दोगे, कुछ नहीं करना है। ये लूप हटाने की वजह आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही बार 1 से 10 तक लूप लगाना, इंटर वाला लूप ही लगा के यहाँ पर नंबर पास कर दो। पर मेरे को तक चाहिए, मतलब यहाँ कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए टेबल, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 की टेबल को शो नहीं करता है, इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्टली स्किप कर देते हैं। अब देखो मेरे को 10 तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से मैंने वो लोग करा है, और देखो अब 100 तक आ गया, तो ये किसकी 9 की टेबल बन गई यहाँ से। अब ये क्या हो रहा है, एक सिंगल लाइन में आ रही है, क्योंकि एक लाइन के बाद, एक कंसोल के बाद क्या हो रहा है, दूसरा कंसोल हो रहा है, ये हो रहा है ना। अब देखो मैं इसका कलेक्शन बनाना है, मेरे को कलेक्शन बनाना, एक साथ ही टेबल्स मेरी क्या हो, कलेक्ट हो के आ लाइन बाय लाइन, एक साथ कलेक्ट हो के आ। तो अब अपनों ने क्या करा कि अपनों को कलेक्शन बनाना है, डेटा कलेक्शन, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, लेट क्या कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या डिक्लेयर कर सकता हूँ, मेरे को बता सकते हो, यहाँ पर अगर कलेक्शन मल्टीपल डेटा को अपने को कलेक्शन को स्टोर करना है, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा या मल्टीपल डेटा कलेक्शन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अरे का यूज करेंगे। एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले मैं 2 की टेबल यूज करूँ। अब देखो नेस्टेड लूप तो हमने पढ़ लिए, एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस डेटा को कलेक्ट करूँ, कलेक्शन बताओ, अब थोड़ा सा कलेक्शन बता रहा हूँ। तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माय अरे लिख दिया मैंने, माय अरे लिखा, एम नंबर है ना ये, मैंने क्या लिख दिया इसको, नंबर नाम का क्या बना दिया, नंबर्स नाम का मैंने क्या करा दिया, अरे बना दिया, सिर्फ खाली अरे,
देखो अब अपने को पता है कि नंबर्स हैं, ठीक है ना, नंबर्स है, तब इसके अंदर कुछ भी नहीं, अभी ये क्या है, खाली है अभी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा तो मैं यहाँ क्या पुट करूंगा, देखो तो यहाँ पे मैं लॉजिक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसोल में हटा दिया मैंने, अब मैं लॉजिक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर जो है अब ये खाली तो है, मैं नंबर के किस इंडेक्स पे डालूंगा। अब देखो यहाँ पर नंबर का कोई इंडेक्स नहीं है, फिर भी मैं इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ आई वाले से, और यहाँ पर वैल्यू क्या डाल दूंगा मैं, अभी देखो मेरे को क्या लेना है, वैल्यू ये लेनी आई इंटू जे लेना है, आई इंटू जे ही ले रहा हूँ मैं, और मैंने इसको क्या कहा सिर्फ यूज कर। अब देखो मैंने नंबर खाली डाला था, क्या मैं इस टाइप से नंबर की वैल्यू पुश कर सकता हूँ, अब ये क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा, एक तरह से क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा, है ना, ये एक इंडेक्स अरे अरे पे बन जाएगा। अभी इंडेक्स कैसे काम कर रहा है हम देखते हैं इसको, तो देखो ये क्या हो गया, आपने इंडेक्स अरे टाइप कोशिश करा, ये क्या है, अरे अभी एक्चुअल में क्या है, अभी जो भी होगा वो एक इंडेक्स बन जाएगा, कि इस इंडेक्स पे ये वैल्यू पुट कर दो। अभी अगर हम किसको कंसोल लॉक करूंगा, यहाँ पर नंबर्स को क्या करूंगा मैं, यहाँ पर कंसोल लॉक करूंगा, कहाँ करूंगा, नीचे नीचे, कैसे करूंगा कंसोल लॉक, कंसोल डॉट लॉक लिखूंगा मैं, और यहाँ पर क्या कर दूंगा, सिर्फ इसको पास कर दिया मैंने, अब देखो एम्प्टी आया, 10 to 20 आया, तो भाई क्योंकि जब तक वो क्या कर रहा है, उसकी इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, अब इस इंडेक्स में कुछ तो है ही नहीं। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसी को कंसोल लॉक करवा दे, अब अरे को ही मैंने कहाँ कंसोल लॉक करवा दिया, नंबर्स के सेक्शन के अंदर ही मैंने क्या करवा दिया, अंदर ही कंसोल लॉक करवाया। देखो तो अब समझ में आएगा आपको, अब देखो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वाले में उसने क्या कर दिया, देखो फर्स्ट तक तो उसने क्या करा, क्लियरली कर दिया, अब पहली की उसने एम्प्टी क्यों बताई, क्योंकि इनिशियली वो खाली पड़ा था, अब उसमें हम पुश कर रहे हैं तो नेक्स्ट इंडेक्स पर पुश हो रहा है, पहले इंडेक्स पे क्या नहीं जा रहा है, रिटर्न नहीं जा रहा, पहले इंडेक्स क्या हो रहा है, उसने डिक्लेरेशन नहीं करा। अब इस केसेस में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो ये पहले आ रहे हैं, ये क्या करता है, उसी इंडेक्स पर वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है, फिर आगे जब जाएगा तो नेक्स्ट आ गया। देखो ये अरे में किस टाइप से डेटा कलेक्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डेटा कलेक्ट हो गया, मैंने एक ही लूप चलाया और अलग टाइप से डेटा कलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अरे में कुछ इशू आते हैं एम्प्टी का, जब आप क्या करते हो अरे पे जब लूप चलाते हो और आप क्या करते हो, जिसमें कुछ भी उतर वैल्यू पुश करने की कोशिश करते हो, तो उसमें एक एम्प्टी कॉलम या अनडिफाइंड की मिस आती है प्रॉब्लम। देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया, अब देखो मैं ऑब्जेक्ट में अगर प्रिंट करूंगा तो फिर भी मेरे पास दिक्कत है, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब देखो यहाँ पर मेरे को कलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, हो सकता है मेरा जो डेटा आ रहा है वो क्या हो रहा है, मेरे से प्रॉपरली कलेक्ट नहीं, क्यों कलेक्ट नहीं हो रहा है, देखो ये तो एक अरे हो गया है ना। अब हमें इसको देखो समझना पड़ेगा, हमें इसे समझना पड़ेगा कि मेरे को जो सारा डेटा आना चाहिए ये मेरा कौन सा आना चाहिए, सेकंड नंबर बात कर। अब देखो कलेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग, क्योंकि जब तक ये डेटा आएगा, देखो ये जब डेटा आएगा ठीक है ना, ये डेटा कहाँ आएगा, एक पर्टिकुलर किसके अंदर आना आएगा, देखो ये मैंने क्या करा अरे बना लिया, अभी अरे बना लिया, ये भी मैंने अरे बनाया, और देखो ना ये भी मैंने क्या अरे बनाया, क्या बनाया, अभी अरे बनाया, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल अरे ले रहा हूँ, उनको सब कमेंट करा। देखो ये अरे तब तक ये लूप जब तक चलेगा तब तक हम किस में होल्ड करेंगे, इस वाले अरे के अंदर होल्ड करेंगे, ठीक है ना, इस वाले अरे के अंदर क्यों होल्ड करेंगे, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर कहाँ कर रखा है, यहाँ पर कर रखा, तो जब भी नेक्स्ट टाइम ये लूप फिर से चलेगा ये क्या होगा, फिर से डिक्लेयर होगा, क्या होगा, फिर से डिक्लेयर करेगा, वो फिर से डिक्लेयर करेगा तो वो कैसे खाली रहे, क्या हो जाएगा, खाली अरे हो जाएगा, क्या होगा, खाली हो जाएगा, और फिर से हम इस लूप के अंदर उसको पुश करते चलेंगे, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब मेरे को पता है कि अरे हमने पढ़े हैं, तो अरे की हमने मेथड्स अभी किसी भी चीज़ की मेथड्स नहीं पढ़ी, हमने अभी तक क्या पढ़ ली, अरे पढ़ ली और लूप्स पढ़ ली, पर हमने उनके मेथड्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट कल से जो हमें उनकी मेथड्स पे ही काम करेंगे। एक अरे जो होता है इंडेक्स अरे की क्या क्या मेथड हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट की क्या मेथड हो सकती हैं, तो बात करते हैं। अब देखो ये अरे बना मेरा, ठीक है ना, ये अरे बन गया। अब मैं अगर इस अरे के यहाँ पर जे इंडेक्स, अब जे कहाँ से इनिशियलाइज होगा, देखना आई और जे में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी प्रिंट कर रहा हूँ, आई और जे में वैल्यू डाल रहा हूँ मैं ना, मैं वैल्यू क्या कर रहा हूँ, असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस इंडेक्स में एक इंडेक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और देन उसमें क्या कर रहा हूँ, वैल्यू डाल रहा हूँ, डालने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी वेरिएबल में ऐसे अपडेट भी कर सकते हैं,
वेरिएबल में भी अपडेट कर सकते हैं, अरे में भी हम क्या वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं अगर वो पहले से डिफाइन है तो। अभी डिफाइन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोशिश कर रहे हैं, है ना। मेरे भी साथ ये सेम सिचुएशन एक किस्में आई थी पता है, एक मैंने एक इंटरव्यू क्रैक करा था और वहाँ पर मुझे मशीन टेस्ट के लिए कुछ दिया था, एक लॉजिक बिल्ड करने के लिए दिया था, और मैंने जब लॉजिक बिल्ड करा और ऐसे में पुश करने की कोशिश करता वहाँ पर भी एक एम्प्टी की दिक्कत आ रही थी, तो ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट करी थी और उसका सोल्यूशन भी मैंने निकाला था, वो मैं भी आपको बताऊंगा। बट अभी क्या कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल इंडेक्स अरे की कोशिश कर रहा हूँ, समझना, कलेक्शन बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नेस्टेड लूप तो अपने को समझ में आ गया कि एक लूप के अंदर लूप है, ये सारी चीज़ें होगी अपने को समझ में आया, पर अब मैं कलेक्शन कैसे बनाऊंगा आपको ये भी समझाना जरूरी है, क्योंकि लूप के अंदर क्या होता है मोस्ट टाइम अपने को कलेक्शन बनाने की जरूरत पड़ती है, तो मैं कलेक्शन बना रहा हूँ। अब देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग करके मैं क्या करूँगा किसको लिख दूंगा, सेकेंड को लिख दूंगा, है ना। देखना मैं यहाँ पर लूप चला रहा हूँ फिर से, टू टाइम ही चलेगा। देखो अब क्या हुआ, टेबल तो मेरी आ गई, फर्स्ट वाला कॉलम अभी भी आ रहा है एम्प्टी, ये फर्स्ट वाला अभी भी एम्प्टी आ रहा है, बाकी टेबल मेरी प्रॉपर क्या हो गई है यहाँ पर, क्या आ गई है टेबल आ गई मेरी, आ गई आएगी ना ये टेबल मेरी यहाँ पर। देखो ये फर्स्ट, अब वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, फर्स्ट एम्प्टी इंडेक्स इसलिए जीरो दे रहा बताऊं, क्योंकि यहाँ आई जो है, यहाँ जे जो है, जे इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है, वन से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जे माइनस वन, आप देखना देखते हैं करके देखते हैं। अब देखो जीरो से हो गया, कहाँ से हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन तक गया, यहाँ पर टू से इनिशियलाइज हुआ, वो भी कहाँ से आया इंडेक्स उसका क्या बना, इंडेक्स क्या बना है, जीरो ही बना है, क्या बना, जीरो ही बना। अब देखो ये हो गया सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, अरे अरे सोल्व हो गया ना अपना, अभी क्या हो रहा था एक्सेस क्या कर रहा था वन इंडेक्स को एक्सेस, जीरो इंडेक्स। अब अपने को पता है कि अपने इंडेक्स ही कैसे बना लिए, जीरो से ही बना है। अभी क्या हो रहा है इंडेक्स कहाँ से बन रहे थे, वन से बन रहे थे, तो जीरो वाले इंडेक्स में क्या है वो एम्प्टी दिखाएगा ना, इसलिए वो हमने को एम्प्टी दिखा। अब देखो ये तो डेटा आ गया, अब अगर मेरे को उसका कलेक्शन बनाना है, कलेक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा नंबर्स वाला जो है नंबर्स इस वाले के अंदर मैं क्या करूँगा फिर से वही लिखूंगा आई माइनस क्या कर दूंगा यहाँ पर, आई माइनस क्या करूँगा मैं यहाँ पर, देखो अभी मैं आई रख रहा हूँ, सीधा सा सिंपल सी बात है, मैं आई रख दिया मैंने यहाँ पर, है ना, आई रख दिया मैंने, आपको ये चीज़ क्लियर है, आई समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा सेकेंड अरे को क्या कर दूंगा वैल्यू, इसकी सेकेंड अरे की वैल्यू किस में रख दूंगा, आई इस नंबर के आई इंडेक्स, मतलब आई इंडेक्स कौन सा भी हो सकता है यहाँ पर, इनिशियली कौन होगा वन होगा, वन होगा। अब ये कितने टाइम चलेगा, टू टाइम चल रहा है, ठीक है ना, अपने बाहर का लूप चलेगा वो टू टाइम चलेगा, अंदर का लूप कितने टाइम चलेगा, टेन टाइम चलेगा। अब देखो यहाँ पर कंसोल लॉक नहीं करवाया हमने, सबसे इम्पोर्टेंट रोल कंसोल लॉक करना होता है, कंसोल डॉट लॉक और कंसोल लॉक करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे नंबर्स को एक्सेस करा अपने। अब देखना नंबर में क्या फिर से वही चीज़ आएगी, देखो वन एम्प्टी आया, क्यों एम्प्टी आया, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हुआ देन कहाँ पे चला गया, वन पे चला गया। तो अब हम इसका भी तो वही लॉजिक लिख सकते हैं कि माइनस वन कर लो, तो ये लॉजिक कहाँ से डिपेंड कर रहा है, अपने इस आई और इनके जे की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये लॉजिक मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि आई माई हमें पता है कि हमारा लूप कहाँ चल रहा है, वन से रहा, पर इंडेक्स की इंडेक्स के अपना अरे इंडेक्स अरे है जो हमारा अरे के जो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब देखना अब ये टेबल मेरी क्या हो गई, अब आई प्रॉपर टेबल, वन बाय वन कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखो अरे ऑफ अरे बन गया, क्या बना दिया मैंने, अरे ऑफ अरे बना दिया। क्यों अरे ऑफ अरे बना, ये अरे ऑफ अरे इसलिए बना क्योंकि मैंने क्या करा कलेक्शन अरे ऑफ अरे में लिया। अगर यहाँ पर देख लो, मैं अभी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, क्या चेंज कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने एक, ठीक है ना, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या करा पुश करना शुरू करा। अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर पुश करूंगा, देखना, और मैं कंसोल लॉक करवाऊंगा आपको, अगर कंसोल लॉक करें तो हमारा टर्मिनल और हमारा कोड, टर्मिनल कोड इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, फोन सेव, ठीक है। अब देखो मैं इसमें ऑब्जेक्ट में रन करने की कोशिश करूँगा, देखो जीरो इंडेक्स में क्या मिला मेरे को, एक की बन गया, अब ये जीरो क्या बन गया, एक की बन गया। अब देखना अब मैं लॉजिक हटा रहा हूँ, माइनस वन नहीं कर रहा हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आई रख दी मैंने, है ना, पॉइंट टू पे आया, समझ में, ये क्यों आया समझ में आया मेरे को बता सकते हो आप,
ये की बन रही थी, अब वन वाली की बन रही है, अब की कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, इसलिए एम्प्टी वाला कोई सेक्शन बने नहीं। की के लिए कहीं से हो सकता है इंडेक्स अरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, बट की तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, ऑब्जेक्ट तो कहीं से भी चल सकता है। सेम अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूं, देखो अब मैंने दोनों अरे के साथ आपको इंडेक्स पे काम करके बताया एम्प्टी वाले के साथ में, ठीक है ना, और मैं सेम इसको मैंने क्या कर दिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं इसको वैल्यू असाइन करने के लिए क्या अरे का यूज कर रहा हूँ, अरे की टाइप फॉर्मेट में यूज कर रहा हूँ इंडेक्स अरे का, और ये एक्सेप्टेबल होता है ऑब्जेक्ट के केसेस में। ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर केसेस में आप क्या कर सकते हो, उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो डायनेमिक, इसको बोलते हैं डायनेमिक की बनाना। ये जो सिंटेक्स दिख रहा है ना आपको, ये होता है डायनेमिक की बनाना। तो देखो मैं सर्च करके बताता हूँ कैसे बनेगी, समझ में आएगा आपको हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट डायनेमिक की। देखना पहले ही क्वेश्चन अपने को मिल रहा है स्टैक ओवरफ्लो पे, और देखना इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर। देखो ये लूप लगा रखा उसने और यहाँ पर ओबीजे लिया की प्लस वन, ये क्या बन गया डायनेमिक बन गया। इन जावास्क्रिप्ट ऑल अरेज आर ऑब्जेक्ट बट नो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अरे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑल अरे आर ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी अरे हैं वो ऑब्जेक्ट से ट्री कर सकते हैं, पर जो बट नॉट ऑल ऑब्जेक्ट आर अरे, सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं अरे नहीं होते, ठीक है ना, दे आर प्राइमरी डिफरेंट एंड वंस दैट, ये बताया एग्जाम्पल दे रहा है पूरा, तो आप क्या कर सकते हो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू ऑपरेटर है, इसको क्या बोलते हैं हम क्या बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली में क्या ऑपरेटर को जैसे वर्क करता है, किसके जैसे वर्क करता है अरे के बिहाफ पर वर्क करता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है ऑल अरेज आर ऑब्जेक्ट, तो अपने को क्या समझ में आया ये चीज़ें समझ आया। अब अपने क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम क्या करेंगे इसमें डायनेमिकली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। द स्क्वायर ऑपरेटर हैज डूइंग, ये बोल रहा है जो भी है थ्योरी बहुत सारी लिख देते हैं वैसे अपने को इसके लिए काम में नहीं आती है थ्योरी, डायरेक्टली ये अपने काम में आती है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो उसको ऐसे कर सकते हो। तो चीज़ें उसने पूरी डिटेलिंग लिख रखी है, अपने को समझ में आता है नॉर्मली अपना क्या है, अपने को क्या करना है डायनेमिक की ऐसे बन जाती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रही है डायनेमिक की बन रही है, डायनेमिक की बन रही है, तो डायनेमिक की कैसे बना सकते हो। अब आपने को पता है ऑब्जेक्ट की बन रही है, की वाले ऑब्जेक्ट में तो आप कैसे भी की का नाम रख सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर अपने को पता है की का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर है डाउट, ये डाउट क्लियर है कि नहीं है। मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर आप की का नाम आप कुछ भी सकते हो, उसके कोलन आपको वैल्यू रखनी पड़ती है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ डायनेमिक की क्रिएट कर रहा हूँ, देन उसके अंदर क्या कर रहा हूँ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट नया है कि मैं डायनेमिकली क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये अरे जैसे ही दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है अरे जैसा। अब देखो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर वो फिर से कौन सा लॉजिक हटा दिया, माइनस वन वाला लॉजिक हटा के मैं अब रन कर रहा हूँ इसको, और अब देखना अब देखो अब कैसे प्रिंट हुआ अब देखो की के साथ वैल्यू आ गई। तो अब अपने मेरे को पता है कि जो टेबल होती है उसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है और टेन तक जाता है, और उसकी रिप्रेजेंटेटिव उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, अब मैं बोल दूँ यहाँ पर मेरे को टेन तक की चाहिए, अब देखना टेन तक मेरा क्या होगा कंप्लीट लूप चलेगा। और देखना जैसे मैंने क्या करा, सॉरी सर मैं यहाँ पे लिखूँ नोड और जेस, और देखो अब टेन तक पूरी प्रॉपर मेरी क्या हुई टेबल प्रिंट होगी, हुई कि नहीं हुई टेबल प्रिंट। अब मैंने इसको कलेक्ट कर लिया, कैसे कर लिया कलेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में ऑफ ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या करा ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ मेरा डिक्लेयर करने का मेन मोटो ये था कि जब भी ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा ये इनिशियली कौन सा रहेगा फ्रेश रहेगा। जब ना फर्स्ट वाला लूप टेन टाइम चल रहा है अभी, फर्स्ट वाला लूप जितनी बार भी चलेगा एक टाइम चलो टू टाइम चलो वो क्या होगा रीडिक्लेयर हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा वो क्रिएट होगा, ठीक है। उसका स्कोप कहाँ तक है, यहीं तक है। इस वाले का मैंने स्कोप आपको समझाया था ना कि वेरिएबल के स्कोप कहाँ तक होते हैं, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का स्कोप कहाँ तक है, इस वाले लाइन तक है। जैसे ये लाइन आया इसके बाद इसका क्या हो गया स्कोप खत्म हो गया। फर्स्ट वाले का कहाँ है इसके बाहर है, इस लूप के बाहर है, इसके ग्लोबली आ रहा है, तो मैं इसको अंदर भी एक्सेस कर लिया मैंने, ठीक है ना। और मैंने यहाँ क्या कर दिया इस वाले स्कोप से पहले इसका जब तक स्कोप खत्म ना हो उससे पहले मैंने क्या कर दिया ग्लोबल वाले में मैंने वैल्यू को डाल दिया और ग्लोबल वाले को मैंने कंसोल करवा दिया। समझ में आया नेस्टेड लूप। देखो यहाँ हमने कलेक्शन इसलिए बनाया, कलेक्शन बनाने का मेन मोटो क्या था अपना, एक साथ हम डेटा को क्या करवा रहे हैं प्रिंट करवा रहे हैं, एक साथ कैसे प्रिंट करवा रहे हैं। देखो एक साथ प्रिंट करवाने का मतलब जब यूजर उसको देखेगा, यूजर आप किसी डेटा को देखेगा, यूजर अगर किसी इसको देख रहा है, किसको देख रहा है डेटा को देख रहा है अभी, तो उसको क्या समझ में आएगा कि भैया मेरी टेबल जो प्रॉपर प्रिंट हो रही है। देखो वन की टेबल प्रिंट हुई, वन वाले इंडेक्स पे अपने को क्या मिला वन की टेबल प्रिंट हुई, ठीक है ना।
यहाँ पर वन पे वन की प्रिंट हुई, अगर मैं आपको बोल दूँ टू की मेरे को टेबल चाहिए तो आप क्या यहाँ पे क्या एक्सेस करोगे, सीधा सा रूट लगा के आप टू एक्सेस कर लो, टू अब की बन जाती है, अब की यहाँ पर नंबर सिस्टम को आपने की बनाया है तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे, सीधा ऐसे आप अरे में एक्सेस कर लो। अब देखो मेरे को टू की टेबल चाहिए तो अब क्या करेंगे हम, टू की टेबल बन रही है, अब टेबल बन रही है पर मेरे को एक्सेस कौन से करनी है, टू की करनी है। देखो टू की टेबल एक्सेस हो गई, अब आप मेरे को बोल दो टू की टेबल में मेरे को सिक्स में जो वैल्यू आती है तो वो एक्सेस कर लोगे आप, यहाँ यहाँ पे आता आप ऐसे लिख दो, अब नंबर आप लिखोगे जैसे इसमें क्या हो रहा है कि डॉट लगा के सिक्स लिखोगे तो क्या करेगा वेरिएबल की डिक्लेयर देगा, क्योंकि नंबर में काम करना थोड़ा नंबर और स्ट्रिंग में थोड़ा डिफरेंट होता है, अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो वो फिर भी एक्सेस करने की कोशिश कर लेगा उसको, बट नंबर अगर डायरेक्ट लिखोगे तो वो एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि नंबर एक्चुअल में नंबर भी होते हैं, नंबर की खुद की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है नंबर होती है। देखो अब वो सिक्स को क्या नहीं कर पा रहा, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो अगर इस सिचुएशन में अगर अपने को एक्सेस करना है कैसे एक्सेस कर लेंगे, सीधा सा कुछ ब्रैकेट्स लगा दो, ब्रैकेट्स लगा दोगे तो वो क्या कर लेगा, उसको क्या समझेगा इंडेक्स या की समझ लेगा, ठीक है ना। देखो ये मैंने कंसोल लॉग करा और देखो 12 आ गया, अब ये किसकी वैल्यू है, टू की टेबल में सिक्स नंबर पे जो वैल्यू कॉलम है उसकी वैल्यू आ रही, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो उसको इजीली, क्या कर सकते हो आप मेरे को बता सकते हो कि मेरे को कौन सी टेबल चाहिए, वो बना सकते हो आप टेन वन से लगा के टेन तक की टेबल बनाओ और मैं बोल दूँ आपको मेरे को टू की फाइव की सिक्स की प्रिंट करनी, तो आप क्या करोगे दे दोगे, ठीक है ना। तो समझ में आया ना आपको, समझ में आया कैसे क्या करा, ये कलेक्शन बन रहा है। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी कुछ लेक्चर छोड़ रखे हैं। देखो फोर लूप समझ में आया, ये वाला लूप तक तो समझ में आया आपको, ये लूप समझ में आया, उसके बाद अपनों ने ये वेरिएबल हटा देता हूँ मैं, कमेंट हटा रहा हूँ ना, काम काम में कोड बता रहा हूँ, ये लूप समझ में आया, ये लूप लूप के अंदर लूप समझ में आया, मतलब फर्स्ट वाला लूप क्लियर हो गया, मतलब सेम सेम इस लूप और दूसरे लूप में कोई चेंजेस नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, अगर इस लाइन को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इसमें ले जाने का सिस्टम नहीं है, तो अगर इस लाइन को अगर मैं ऊपर भी लेके जाऊँ आपको इसके ऊपर, देखो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखो ये फोर लेट लिया, आई जे वेरिएबल, कुछ वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू भी इनिशियलाइज करी, ऑपरेटर भी सेम है कंपेरिजन वाले, इंक्रीमेंट भी सेम ही तरीके से रखा है, मतलब इसमें और उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बट वो क्या रहा है पहले ये वाला लूप चलता है, फिर उसके बाद अंदर की ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर अंदर लो आता है, अंदर फिर उसको क्या मिल जाता है, फिर से एक लूप मिल जाता है, फिर वो क्या करता है यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर होता है। अब ये वेरिएबल हर टाइम डिक्लेयर होगा जब तक ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि क्योंकि ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई तो मतलब इसका स्कोप कहाँ तक है, इस वाले कर्ली ब्रेसेस के एंड तक ही क्या बचा, इसका स्कोप बचा हुआ है, और ये लूप का जो वेरिएबल रहता है, इस वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो लूप की बॉडी के अंदर तक ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ इस आई को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है फोर लूप के अंदर बात कर रहा हूँ आज मैं, फोर लूप की अभी देखना, मैं अगर यहाँ पे आई को एक्सेस करूंगा तो मेरी क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी कि मेरे को क्या बोलेगा वो, अरे सेकेंड वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं करा। देखो मेरा नंबर सिस्टम पूरा आप देखना, मेरी कोई एरर नहीं आएगी, पहली फर्स्ट एरर मैं बता देता हूँ, देखना आई इज नॉट डिफाइंड, मैंने इस आई को कहाँ एक्सेस करने की कोशिश करी, अभी इस लूप से बाहर, तो इस वाले लूप से इसको क्या बोल दिया इसने, अनडिफाइंड की बात बोली। तो देखो नेस्टेड लूप अपने को समझ में आया, साथ साथ डेटा कलेक्शन अपने को समझ में आया कि नहीं आया, डेटा कलेक्शन आपको इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि आपने अभी तक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है। देखो ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज की बात करूँ मैं, एक ऑब्जेक्ट है, आपको भी मैं बता रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ये इसका स्कोप कहाँ है, ग्लोबल, अभी सारे सिंटेक्स के अंदर मैं इसको क्या एक्सेस कर सकता हूँ, ग्लोबली एक्सेस कर सकता हूँ, अंदर आए लूप डिक्लेरेशन हुआ, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये चीज़ आपको भी क्लियर हो गई होगी। अब क्या हुई बात हुई कि जब ये हम पढ़ा रहे हैं इसको, सेकेंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट सेकेंड नंबर लिखा, तो सेकेंड नंबर क्या डिक्लेयर करा मैंने, फिर से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा, क्या करा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा एक, कौन सा वाला, एम्प्टी, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, खाली, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लूप चलाया, ये लूप आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं आया समझ, लूप समझ में आ गया, अब लूप समझ में आ गया अपने को, तो अपने को क्या समझ में आया यहाँ पर, लूप जब समझ में आ गया तो अपने ने क्या करा, अब यहाँ पे बात आ रही है आपकी, सबसे पहली मेन डाउट आपका यही जा रहा है ना, देखो सेकंड, ये जो सेकंड नंबर में हम जब वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, डाउट आ रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, डाउट मिल रहे ना, सो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, डी ओ यू यू जी एस टी
क्या GST नहीं हाँ DOUBT ठीक है तो हाँ ठीक है तो यहाँ पर एक डाउट हो रहा है और एक डाउट यहाँ पे हो रहा है। देखो है ना सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आसान लैंग्वेज में, जितनी हो सके उतना इजीली हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। डेटा के साथ हम लूप नेस्टेड लूप के साथ हम क्या क्या कर रहे हैं, कलेक्शन भी कर रहे हैं, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर जब हो रहा है, अब देखो ये क्या हो रहा है वेरिएबल हो रहा है ना, मैंने बताया एक तो एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने दो तीन टाइप से एक्सेस करना बताया था आपको, जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बताया जैसे कि मैंने सपोज करो अगर मैं यहाँ पे लेट लेख लूँ STD मैंने नाम का STD नाम का एक क्या ले लिया ऑब्जेक्ट ले लिया, नेम ले लिया उसका ठीक है, अनिल ले लिया उसकी क्या ले लिया उसका है ना क्लास ले ली जो भी MC अपना क्लास है मैंने ये लिख लिया, और ऐसे ऐसे करते उसकी बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे कि सपोज करो कुछ भी मैंने दे दिया नेम कुछ भी मैं लिख रहा हूँ अभी है ना। अब मैंने आपको एक एक्सेस करने का तरीके बताए थे क्या उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो कंसोल लॉग करने के लिए, एक्सेस करने के लिए मैं डाइक अब कंसोल लॉग नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ सीधा एक्सेस करके बता रहा हूँ। STD डॉट आप क्या कर सकते हो नेम एक्सेस कर सकते हो, पहला तरीका मैंने ये बताया था एक्सेस करने के तरीके अगर बात करूँ तो मैं क्या बताया था मैंने पहला क्या बताया था इसको अगर हम बात करेंगे तो इसको हमने क्या बोला था, हमने बोला था ऑब्जेक्ट नेम डॉट हम क्या बोलेंगे की नेम, ये फॉर्मेट कौन सा बना ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम। आप इसको दूसरे फॉर्मेट ऐसे भी एक्सेस कर सकते थे, मैंने बताया था आपको क्या ऑब्जेक्ट नेम और उसके बाद ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर आप क्या पास कर दो की नेम ठीक है। आप जब आपके यहाँ पर वो की होगी तो क्या कर रहा है यहाँ पर वैल्यू दे देगा, अभी क्या हो रहा है वैल्यू दे रहा है यहाँ पर ये क्या कर रहा है वैल्यू दे रहा है। अब मेरी बात सुनो अगर मेरे को यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के इसमें किसी में वैल्यू चेंजेस करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ से यहाँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट नेम वैल्यू चेंज करना। अच्छा यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है इक्वल टू ऑपरेटर क्या काम करता है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये क्या कर रहा है ये की है, अब ये की तो है नहीं तो की नहीं है, अब की नहीं है तो वो यहाँ पे क्या करेगा अनडिफाइंड कर देगा, पर यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है वैल्यू भी दे रहा है उसको, तो बोल रहा है कि ये भाई की पे क्या कर दो वैल्यू को अपडेट कर दो। अब वो अपडेट नहीं होगा तो इंटरनली क्या करेगा वो की नहीं है तो वो की क्या कर रहा है क्रिएट करके उसमें क्या कर रहा है वैल्यू को स्टोर कर रहा है वहां पर वैल्यू को उसने ऐड कर दिया। तब वो जब क्या होगा जे नाम की जे में क्या आ रहा है सब इनिशियली वैल्यू क्या आ रही है वन, तो वन वन के स्टेप फर्स्ट स्टेप पे जब रन होगा तो जे की वैल्यू क्या होगी वन होगी, तो वो क्या करेगा क्या सेकेंड एरे के अंदर वन नाम की है क्या वन नाम की नहीं है तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है की नहीं है, और जस्ट उसके बाद देख रहा है कि इसमें वैल्यू डालनी है तो क्या करेगा वन नाम की क्रिएट करके उसके अंदर वैल्यू को डाल देगा। ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ तक तो हमारा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक तो हमने क्या करा एक्सेस करने की कोशिश करी, देन उसके बाद क्या करा हमने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज करके क्या करा उसमें वैल्यू डालने की कोशिश करी, जब आप की भी बनाएगा और मतलब वैल्यू भी डाल देगा। तो डायनेमिकली अगर बात करें डायनेमिकली अगर किसी वेरिएबल को की बनानी है, जैसे हम सोचते हैं कि अपना कोई पहले से ऑलरेडी अपना बना हुआ अगर मेरे को इसके अंदर कोई की एक्सेस करनी है, देखो अगर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू अगर मेरे को इसकी वैल्यू चेंज करनी है, अगर मैं पूरा ये कंसोल लॉग क्लियर इसको कमेंट्स कर रहा हूँ ना थोड़ा सा इसको कमेंट कर देते हैं तो आपके कंसोल लॉग लेंगे ये स्टूडेंट है और मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ देखना कंसोल लॉग डॉट। अब मैं बताता हूँ डायनेमिक की कैसे बन रही है STD अभी मैंने कंसोल लॉग करा देखना स्टूडेंट आ गया अनिल क्लास वगैरह वगैरह। अब देखना मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, अब मैं STD के अंदर मैंने क्या कर दिया डॉट लगा के नेम एक्सेस कर लिया, आ क्या आएगा आएगा कि नहीं आएगा, मैंने सेमी कोलन नहीं लगा तो भी लगा तो भी मेरा एक्सेस हो जाएगा। अब देखना मैंने यहाँ पर फिर से क्या करा रन करा देखो आया नहीं। अब देखना यहाँ पर मैंने क्या करा एक्सेस करा अभी, अब देखना यहाँ पर मैंने क्या करा कंसोल डॉट लॉग कर लॉग की कर दिया, लॉग करने का क्या तरीका STD डॉट नेम मैंने लिख दिया नेम यहाँ तक आया प्लस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया स्ट्रिंग में मैंने यहाँ क्या कर दिया सुनील पास कर दिया तो अपडेट हो जाएगा। अब देखना अब क्या करेगा वो देखना अभी देखना, पहले शुरू तक तो अपने क्या करना है एक्सेस की करने असाइनमेंट ऑपरेटर करके हमने वैल्यू क्या कर दी उसमें ऐड कर दी। अब देखना इसको मैं रन करूंगा तो क्या आएगा अब देखना अनिल वो सुनील। अब देखो पहले तो क्या करा उसने यहाँ पर अब देखो स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है हमेशा राइट टू लेफ्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है प्रोग्रामिंग में, क्या होता है राइट टू लेफ्ट होता है, राइट में पहले उसको क्या मिल रहा है यहाँ पर क्या मिल रहा है राइट में अगर देखा जाए तो एक वैल्यू मिल रही है और असाइनमेंट ऑपरेटर मिल रहा है, ऑपरेटर का बिहेवियर होते हैं ऑपरेटर में हमेशा राइट टू
लेफ्ट जाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो वैल्यू मिल रही है। तो पहले वो क्या कर रहा है, इस वैल्यू किसमें अपडेट कर रहा है, इस एसटीडी अनिल नाम के, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू को क्या कर दिया उसने, अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, अभी सुनील आया, पहले सुनील आया और फिर उसी वैल्यू को क्या कर रहा है, यहाँ पर कंसोल लॉक करके हमने फिर से गेट करवा ली। तो ये क्या हो रहा है, गेट करने के साथ साथ अपडेट कर रहा है। आप जैसे मैं नॉर्मली ये तो कंसोल लॉक लिखा मैंने इसलिए आपको दिख गया, अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा मैं नेम डॉट, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सॉरी एसटीडी डॉट नेम लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया राकेश, लिख दिया राकेश, लिख दिया है ना, ठीक है राकेश लिख दिया मैंने। और मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करवा दूँ, पूरे एसटीडी को कंसोल लॉक करवा दिया मैंने, है ना। तो अब क्या वो राकेश थोड़ी प्रिंट करेगा, डिफॉल्ट यहाँ पर जैसे अभी क्या प्रिंट कर रहा था, अभी जैसे यहाँ पर सुनील प्रिंट कर रहा है, वैसे क्या यहाँ पर राकेश प्रिंट करेगा। देखो अनएक्सपेक्टेड क्लास आ रही है, सॉरी मैंने कोड में यहाँ पर गलती कर दी ना। देखो वो क्या रहा था कि मैंने सुनील बाद में फिर डिक्लेयर करने की कोशिश करी, वो एक्चुअली में की तो थी नहीं, वैल्यूज आप स्टोर करवा रहे थे, जैसे गलत कहीं पर कोड करोगे थोड़ी एक्सेस कर देगा आपको। देखो तो मैं गया यहाँ पर, देखो अब मेरे को यहाँ पता, अब यहाँ पर क्या राकेश यहाँ आया, पहले प्रिंट होकर आया, पहले अपना ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ जिसमें क्या था, अनिल था, अनिल को मैंने डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करी, हो गया। उसके बाद फिर से मैंने क्या करा, अपडेट कर दिया, क्या अपडेट करा, कौन से वाले स्टेटमेंट से अपडेट करा, मैंने इस वाले स्टेटमेंट से अपडेट, नेम वाले से क्या मैंने करा, अपडेट करा, अपडेट करा, तो क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो मैंने की एक्सेस कर लिया, अब मेरी बात सुनो, डायनेमिक की अगर कर रहा हूँ क्रिएट, अभी जैसे मैं इसमें अपडेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या कर दिया, एसटीडी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, आफ्टर, देखो कंसोल लॉग करवा देता हूँ यहाँ पर मैं, कंसोल डॉट लॉग डायनेमिक की को हम समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या था, बिफोर है ना, आफ्टर, आफ्टर वो पहले था या आफ्टर, आफ्टर यहाँ मैंने क्या करा, देखो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एसटीडी के अंदर एक नया कर लेता हूँ, एज नाम का एक क्या कर रहा हूँ, की एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, की में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर की एक्सेस करूंगा, अब यहाँ पर एक्सेस करूंगा तो क्या आएगा, अनडिफाइंड एज नाम का अपना कोई की है नहीं है। देखो मैं हटा दूं, मैं दो रखी, मैंने सिर्फ क्लास रखी, मैंने क्या रखी, क्लास रखी और नेम रखा, अब एज नाम की नहीं है, अगर मैं यहाँ इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगी मेरे को, एरर मिलेगी, कौन सी एरर मिलेगी मेरे को, कंसोल लॉग, देखो मैं कंसोल लॉग करके बता भी देता हूँ, इस की को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैंने इस की को क्या करने की कोशिश करी, एक्सेस करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करना। देखो पहले मैंने क्या करा, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करा, जो कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से पूरा पूरा समझ में आ रहा है, इस वाले सिंटेक्स से, फर्स्ट वाले से, माउस को देखना, फिर मैं यहाँ लेके आया आपको, तो ये समझ में आया आपको, फिर आया, फिर मैंने क्या करा, कंसोल लिखा आफ्टर, फिर मैंने उस की को क्या करने की एक्सेस करने की कोशिश करा, तो उसने क्या दिया मेरे को, अनडिफाइंड, और फिर मैंने कंसोल लॉक करवा दिया। अब देखना यहाँ पर मैं अगर ऑपरेटर लगा के अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिक पास कर देता हूँ, और अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो, अच्छा ये तो मेरा हो गया डायरेक्ट असाइन करने का डॉट लगा के। अब मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे को पता है कि ये मेरी स्ट्रिंग है, एज एक लुक लाइक कैसे जैसे वर्क कर रही है, स्ट्रिंग जैसे दिख रही है, एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होती है। नंबर अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग नहीं है एक्चुअली में, नंबर है वो, नंबर है, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, अब ये स्ट्रिंग हो जाएगा, बट स्ट्रिंग का हमें पता है कि किसी भी की का नाम, और हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग से नहीं कर सकते, तो उसको स्ट्रिंग से स्टार्ट करने के लिए अल्फाबेट यूज करने पड़ेंगे अपने को, किसी की का नाम भी हम यूज कर रहे थे अल्फाबेट कर रहे हैं, या तो आप उसको सिंगल ऐसे करो, अब ऐसे करेंगे तो वो क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। देखो इसी अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ, एज लिख देता हूँ, है ना, एज लिख देता हूँ और फिर से रन करूंगा, देखना, देखो उसने क्या कर दिया, एज नाम क्या स्ट्रिंग दे दी, तो ये आप कर नहीं सकते हो, तू नहीं कर सकते। अब अगर मेरे को नंबर वाली की बनानी है, मेरे को चाहिए नंबर वाली की, तो मैं क्या कर लूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, पास कर दिया मैंने यहाँ पर 2 पास कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर फिर अब डायरेक्ट इसको एक्सेस ऐसे भी नहीं कर सकता नंबर वाली की को मैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, और ब्रैकेट लगा के एक्सेस करेंगे तो वो किस टाइप से बिहेवियर करेगा, एक अरे के जैसे बिहेवियर कर रहा है। और अभी देखना, अभी अगर मैं बात करूंगा तो इसको रन करके देखेंगे, कंसोल ये सारी क्लियर हटाई और देखो आ गया ना, तो क्या फर्क पड़ा, वो की बन के आया, आया कि नहीं आया की, और स्ट्रिंग जैसे से बन के आया, समझ में आया ना, अगर वो की होगी तो वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर देगा, और नहीं होगी तो नहीं बना के उसको नहीं बना के असाइन कर देगा, तो ये डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना हो अपने की, तो कैसे करेंगे, इस टाइप से करेंगे, तो ये समझ में आया आपको, समझ में आया ये चीजें कैसे डायनेमिक कैसे बन रही है,
देखो नहीं है तो वो क्या करा, उसने अनडिफाइन दिया, पर है तो उसने क्या करा, क्रिएट कर दिया। समझ में आया ना आपको? तो ये डायनेमिक, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने कहा यूज करा, डायनेमिक डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ करा मैंने यूज, अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर करा। कहाँ करा? इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने क्या करा, डायनेमिक डिक्लेरेशन यूज करा। क्या यूज करा मैंने यहाँ पर? डायनेमिक डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? डायनेमिक डिक्लेरेशन, क्योंकि डायनेमिकली बन रहा है वो। हो सकता है आपको कलेक्शन बनाते टाइम डायनेमिक बनानी पड़ेगी, कि आपको डायनेमिक बनानी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे? ये वाले सेंटेंस को यूज करोगे, ऐसे यूज करोगे। इसलिए क्या होगा, ये वाले नंबर हो या पहले स्ट्रिंग हो, कुछ भी होगा, वो क्या कर देगा, उसकी को बना के उसकी वैल्यू क्या कर देगा, असाइन कर देगा। समझ में आया? इससे क्या होगा, कोई एरर जनरेट नहीं होगी। तो अपने को ये कोड करने का तरीका ये कहता है कि आपका क्या हो, एरर ना आए। अगर एरर आए तो क्या होगा, आपका कोड ब्रेक हो जाएगा, और कोड ब्रेक होगा तो यूजर को क्या लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। और एक अच्छे डेवलपर के लिए क्या होता है कि एक अच्छे डेवलपर की निशानी होती है कि वो क्या करे, एरर ना जनरेट करे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के लिए समझ में आया आप? अभी तक ये वाला समझ में आ गया ना, क्या कर रहा था अपने यहाँ पर, क्या करा अपने को, क्या समझ में आया अभी तक मेरे को बताओ फटाफट, रिवाइज करो। मैंने क्या करा, मेरे को स्टेप बाय स्टेप, लाइन लाइन बाय लाइन बताने की कोशिश करो। सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, हां, देन एक फर्स्ट लूप लगाया, उसमें इनिशियलाइजेशन करा, कंडीशंस लगाई और इंक्रीमेंट करा, देन सेकंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर सेकंड लूप लगाया, देन सेकंड ऑब्जेक्ट कहां यूज करा, फर्स्ट लूप के अंदर। तो उसका स्कोप कहां तक रहेगा? फर्स्ट लूप के अंदर, उस लूप के अंदर तक रहेगा। जैसे ही लूप चलेगा तो क्या होगा, फिर से उसका स्कोप क्रिएट हो जाएगा और चलेगा, नया ऑब्जेक्ट, मतलब एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हर टाइम क्या हो रहा है, एम्प्टी डिक्लेयर होगा, जब भी डिक्लेयर होगा तो क्या होगा, वो एम्प्टी डिक्लेयर होगा। अब सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट फिर से लूप लगाया अपने, अब यहाँ पे अपने क्या कर रखा है, जहाँ पे मैंने डाउट लिख रखे यहाँ पर क्या कर रखे, डायनेमिक की बनाई, क्या बनाई, डायनेमिक की बनाई और वैल्यू असाइन कर दी। तो ये की क्या पहले बनी हुई थी क्या? नहीं। तो इसने क्या करा होगा, की क्रिएट की और उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर दी, और बाहर निकलने के बाद फिर से मैंने फिर क्या कर रखा है, जो ऊपर ग्लोबली अपने जो डिफाइन कर रखा था वो वाला जो ऑब्जेक्ट था, उसमें अपने क्या करा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर एक की क्रिएट करी। कैसे करी? वही डायनेमिक, और उसके अंदर वैल्यू कहाँ से रख दी, सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को रख दी। अब यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये तब तक ये लूप जब तक चलेगा तब तक क्या करेगा, ये फर्स्ट वाले जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये क्या करेगा, ये सेकंड वाला जो सेकंड नंबर नाम का जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करता चलेगा। और जैसे ये लूप खत्म हुआ इसके नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नंबर्स वाला, और नंबर्स के अंदर ये क्या करेगा, वैल्यू को रख देगा। और तब देखो मेरी टेबल कैसे प्रिंट होती है, अब देखना मेरी टेबल यहाँ पर मैंने लगा के, सॉरी ए नहीं है, देखना, हेलो डेवलपर, अच्छा कंसोल लॉग भूल गए, और हमें किसको करवाना, नंबर को करवाना हो, तो देखो नंबर मैंने करवाए, और ये समझ में आया होगा आपको, मैं डिस्प्ले खाली कर रहा हूँ फिर से, और मैंने, अब देखना मेरा ये कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, 1 से लगा के मैंने कहाँ तक टेबल 10 करवा दी, 10 तक करवा दी। आगे ना बात समझ में आपको, एक नेस्टेड लूप के अंदर अपनों ने क्या करा, लूप के अंदर लूप चला के अपने नेस्टेड लूप को सीखा। तो अभी तक के में अपनों ने क्या सीखा, सबसे पहली चीज मेरे को ये पता, डायनेमिक क्रिएट, अपनों ने एक टॉपिक के अंदर एक लेक्चर के अंदर अपनों ने क्या क्या चीजें सीख ली, आप मेरे को क्लियरली बताना ये चीजें, अपनों ने क्या क्या सीखा, और अपनों साथ साथ डेटा कलेक्शन, डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। एक अगर मैंने आपको नॉर्मली बोल दिया कि मेरे को पूरा सारा सारा डेटा कलेक्ट करके एक सिंगल जगह देना है, तो मेरे को ऐसे दे दोगे, आप कैसे दे दोगे, ऐसे दे दोगे। और अगर मेरे को डायरेक्टली अगर नंबर ही प्रिंट करवाना है तो मैं क्यों कलेक्ट करूँ ये डेटा, क्या करना है मेरे को टेबल प्रिंट करने के लिए, कौन सा मेरे को लॉजिक लिखने की जरूरत है, यहाँ पर ही मैं कंसोल लॉग लिखवा दूँ ना, ये कंसोल लॉग लिख दूँ, तो डेवलपर जो होते हैं वो क्या करते हैं, गलतियाँ यहाँ करते हैं, मेरे को टेबल प्रिंट करनी है ना, अरे टेबल ही तो प्रिंट करनी है मेरे को, और कौन सा काम करना है, टेबल प्रिंट करी INJ लगा दो भैया, अपने कुछ नहीं करना है, कंसोल लॉग नंबर हटा दो, सब चीजें मैंने अभी देखो, ये कंसोल लॉग रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, खाली है तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं, देखो लगा दो टेबल, अभी देखना ये गया, क्लियर स्क्रीन करी और लगा दो टेबल, ये गई भैया तुम्हारी टेबल रन हो गई। अब ये टेबल मेरे को पढ़ने में समझ में आ रही है, कहाँ पे कौन सी चीज एक्सेस हो रही है, मेरे को बता पा रहे हो आप, ये तो नंबर बन गए ना, इसमें न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, न्यू लाइन पे आप कर सकते हो, न्यू लाइन पे भी बेसिक कंसोल लॉग ऑटोमेटिकली आपको एक नई लाइन पे ही देता है, ठीक है ना, आप न्यू लाइन पे आप जैसा शिफ्ट कर रहे हो स्ट्रिंग को कि आपको साथ में शिफ्ट करना है, तो कंसोल लॉग क्या करता है, खुद वैल्यूज को ए करता है, तो आपको कंसोल लॉग करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल्स को एक्सेस करना पड़ेगा, जैसे कि अभी कलेक्ट करके, अब क्या हो रहा है कंसोल लॉग क्या करता है, खुद एक नई लाइन, कंसोल लॉग खत्म करने के बाद खुद एक नई लाइन पे प्रिंट करता है, इनिशियली क्या करता है
लाइन खुद ब्रेक कर देता है, इसलिए अपने को होल्ड करना है। तो ये हम कल देखेंगे कि हम इसको सिंगल लाइन पे ही कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि एक खुद नई लाइन पे प्रिंट करता चलेगा, अब जब भी आएगा तो ये क्या करेगा, फिर से नई लाइन पे प्रिंट करेगा। इसलिए हम इसको सीक्वेंस में डबल प्रिंट नहीं कर सकते। और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अगर आप करोगे तो वो क्या करोगे, सीक्वेंस में प्रिंट कर सकते हो आप, जैसे प्रिंट करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अपने को यहाँ पर कलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए तो हमने कनेक्ट करा। आपने जैसे जो कॉन्सेप्ट बताया मेरे को, देखना अभी मैं सीक्वेंस में प्रिंट करूँ, देखो ये डाउट वाउट तो खत्म हो गए। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ फटाफट, ताकि ये तो होगी मेरी टेबल, स्टैंडर्ड टेबल हो गई। कौन सी टेबल हो गई, मेरी स्टैंडर्ड टेबल हो गई। अब मेरे को यहाँ पर कंट्रोल लॉक करना है, देखना। अब मेरे को पता है कि मेरी जो टेबल चल रही है, देखो यहाँ पर मेरी जो टेबल आ रही है ना, अब मेरे को मैं यहाँ पे लिख दूँ, मेरे को सीक्वेंस में प्रिंट करना है वन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फिर से इसी को क्या करूँगा, रिपीट करूँगा, देखना एक साथ टेबल प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, टू लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, थ्री लिख दिया, सॉरी बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या लिख दिया, थ्री लिख दिया ना, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, फोर लिख दिया। अब देखना मैं थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन यूज़ करूँगा, पेस्ट वी वी, सॉरी अगर ये तो लाइन करेंगे तो सी वी हो जाएगा ना। देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने पेस्ट करा तो भी नहीं हो पाया, फोर मैंने कर दिया। अब देखना मैं यहाँ पर ये लिखे गया, फाइव से सिक्स मैंने फाइव प्रिंट करा, ऐसे मैं मतलब वन बाय वन बढ़ा रहा हूँ। अभी इंक्रीमेंट इसलिए कर रहा हूँ, देखो मैंने सिक्स तक ही प्रिंट करनी चाहा, सिक्स तक मैंने ये क्या करा, प्रिंट करना चाहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नॉर्मली एक्सेस मेरे को पता चल गया कि मेरे को मेरी टेबल कहाँ से बन रही है, वन से लगा के टेन तक बन रही। अगर मेरे को ऐसे प्रिंट करवाना है तो मैं ऐसे भी प्रिंट करवा सकता हूँ। कंट्रोल एल करेंगे, सॉरी देखो वो ऑब्जेक्ट जब उसने प्रिंट करा तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वन बाय वन ऑब्जेक्ट ही प्रिंट हुए, ऑब्जेक्ट वन बाय वन ही प्रिंट हुए। पर क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को रीडेबल बनाने के लिए यूजर के फेसेस पे उसने क्या कर दिया, ऑलरेडी उसको सॉर्टेड कर दिया। तो वो तो अपने को प्रिंट करवाना, अपने को कलेक्ट कुल में ला के क्या बात है, अपना ये तो कुछ भी आप कैसे भी प्रिंट करवाओ, नंबर पर डिस्प्ले पर करवा रहे हो, हमें समझ में इजीली आ जाए, इसलिए अपने ये क्या कर देता है, जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, फॉर्मेट करके देती है, इंटरनली फॉर्मेट करके इसलिए देती है ताकि अपने को क्या समझ में आए, प्रॉपरली क्या चीज़ें समझ में आए, हम इसको ट्रैक कर पाए, इजीली इसको एक्सेस कर सके। देखो इसमें सेम तो आ रहा है, यहाँ पर एक मेन एरे डिक्लेयर हुआ, ये एरे के बाद क्या हुआ, पहली की के बाद क्या हुआ, सेकंड वाला की आया और सेकंड वाला की। अभी पहले वाले में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे थे, ये ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट आया, नहीं जैसे कि ये हाँ हमें आप जो सोच रहे हो कि इस टाइप से मैंने जो एक्सेल में बताई थी आपको, डिफॉल्ट लाइन ब्रेक करता है तो हम उस लाइन ब्रेक को रोक नहीं सकते क्या? देखो उसके लिए सबसे पहली चीज अपने को, अभी मैंने देखो अपना लूप का जो कॉन्सेप्ट है कैसे चल रहा है, अभी अपना यहाँ डेटा आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा जब तक सेकंड टाइम तक के लिए आऊंगा तो मेरे को इस डेटा को स्टोरेज तो करना पड़ेगा, या तो मैं क्या करूँ वेरिएबल बना के स्टोरेज करता चलूँ, या फिर से अगर मेरे को उस टाइप से प्रिंट करवाना है डिस्प्ले के एक से वन बाय वन जैसे टेबल में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से लॉजिक लिखने पड़ेंगे। आप चाहो तो बिल्ड करके लेके आ सकते हो, एक साथ आप क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। कैसे प्रिंट करवाओगे, सेपरेटेड आप प्रिंट करवा लो स्ट्रिंग के जैसे, उसको क्या करो एक सजेशन में स्टोर करके रख लो, कैसे कर लो, एक की में स्टोर करके रख लो वन बाय वन। कैसे रखोगे मतलब नॉर्मली क्या करोगे, आपको की में एक्सेस करना है, अब अपने को स्पेस के थ्रू रखना है, तो हम क्या करेंगे नॉर्मली क्या करेंगे, उस वैल्यू कैसे रखेंगे, जैसे लेट ये अपना हो गया वन वाला हो गया, मैंने वहां सोच चुका इंडेक्स मैंने बोला वन, इसके अंदर आपको कैसे इसको स्टोर करके रख सकते हो, आप इसको ऐसे रख लो कि जैसे कि यहाँ पर वन वाला टेबल आ गया, फिर आप चाहते हो कि जैसे वन वाला टेबल आया तो आपको यहाँ पर वन रख दिया, फिर एक टेप लगाने के बाद अब क्या कर लिया मैंने यहाँ पर जैसे वन लगा दिया है ना, उसके बाद मैंने एक टेप मार दिया, सो क्यों ले रहा है वो वन, एक्चुअली ये कर रहा है जैसे मैंने सपोज करा ये टेप मार दिया ना, यहाँ पर क्या रख रहा मैंने एक स्पेस दे दी, अब यहाँ पर टू आना चाहिए, आपको थ्री आना चाहिए, ऐसे फोर के आए टेबल है ना। अब नेक्स्ट लाइन में फिर अगर बात करेंगे तो फिर अपना क्या होगा, इंडेक्स टू बनेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा वन की टेबल में टू आएगा। आप ऐसे चाहते हो यहाँ पर फोर आ जाए, यहाँ पर सिक्स आ जाए, और यहाँ पर क्या आ जाए एट आ जाए, इसी टाइप से चाहिए ना आपको टेबल वन बाय वन, तो आपको ये बनानी पड़ेगी। उधर भी हम क्या करते हैं, उधर भी हम स्टोरेज करके चलते हैं, तो ये सारा काम क्या है, डेटा को हैंडल करने का काम, आप डेटा को हैंडल करके कैसे प्रिंट करवाना है वो बात हो रही। हमने यहाँ पर क्या करा है, कलेक्शन बना लिया है टेबल का पूरा पूरा, और जावास्क्रिप्ट में हम अगर हम काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क वगैरह सब में, इसमें हमें सिर्फ कलेक्शन पे ही फोकस करना होता है।
आप इसे फॉर्मेट करने का तो बात की बात है, वो अलग चीज हो जाती है, फॉर्मेट करना हमें इजीली होता है कि नहीं होता है, वो कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, वो कस्टम लोग हो जाएंगे, पर हमें जो काम करना होता है और हमें जो कलेक्शन बनाना होता है वो इसी टाइप से बनाना होता है। इससे क्या होता है, ये इजीली अदर लैंग्वेजेस भी एक्सेस कर सकती हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट पहले क्या बनी थी, मैंने आपको ये चीज देने सिखाई थी कि जावास्क्रिप्ट बनी थी क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। अब क्लाइंट साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड कौन सी चीजें चलती हैं, HTML, CSS और ये चीजें चलती हैं, और बैकएंड साइड में बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती हैं। तो जावास्क्रिप्ट को बनाया इसीलिए था, ऐसा था कि वो सारी लैंग्वेजेस से जो आने वाला जो डेटा है अलग अलग फॉर्मेट का, अलग अलग फॉर्मेट को डेटा को वो क्या कर ले, कलेक्शन में बना ले, और कलेक्शन को ही क्या कर ले, इजिली एक्सेस कर पाए, इसलिए हम इसका कलेक्शन बनाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमने इसलिए कलेक्शन बनाया, मैंने कलेक्शन बनाना इसलिए सिखाया आपको डेटा का, क्योंकि हमें आगे जाके कलेक्शन ही बनाने हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट करना वो अलग अलग डिपेंड करता है, जब आप व्यू जनरेट कर रहे हो तो व्यू पे आप कर सकते हो, व्यू का कोई दिक्कत नहीं। आप टेबल जिस जनरेट कर रहे हो ना तो आप इस टेबल को एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले आराम से बता सकता हूँ आपको टेबल को कैसे एक्सेस करेंगे, बट बात वही हो रही है कि हमें एक्सेस करना है टेबल को, तो इसका जैसे दिखाना ही अपने को, तो एक वो क्या होगा, व्यू जनरेट करना पड़ेगा उसके लिए। जावास्क्रिप्ट में आप कंसोल लॉग करवा सकते हो, डिस्प्ले प्रिंट करने के लिए क्या करोगे आप, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग बाय डिफॉल्ट क्या करता है, न्यू लाइन शिफ्ट कर देता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। और व्यू कैसे क्रिएट करोगे, HTML, CSS या फिर रिएक्ट वगैरह को इन चीजों का यूज करके। तो जब व्यू पर डेटा दिखाना है अपने को, अभी क्या हम व्यू की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट पे तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट करेगा। व्यू क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वहां पर व्यू पर करना पड़ता है। तो समझ में आया ना आपको, राइट डॉट इसे डॉक्यूमेंट से नहीं होता है क्या, राइट डॉक्यूमेंट डॉट आप कर सकते हो, पर उसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में आप फाइल न्यू फाइल करोगे तो बात वो हो जाएगी, आपको अलग से एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। और हम जो कलेक्शन में बात करते हैं, प्रोग्रामिंग में जो बात करते हैं, वो कलेक्शन में बात करते हैं, कलेक्शन पे इसलिए क्योंकि किसी अगर को दूसरी वेबसाइट को देना है किसी और पार्टीज को, जैसे सपोज करो आपसे मैं कुछ डेटा ले रहा हूँ, आप मुझे कुछ डेटा दे रहे हो, ये डेटा मैं किसी और को वैसे दे रहा हूँ, तो क्या आप मेरे को जिस फॉर्मेट में दोगे तो मैं क्या करूँगा, उसका कलेक्शन बना के रखिए, आप मेरे को एक कलेक्शन में दोगे ना डेटा, आप किसी प्रिंट स्क्रीन के थ्रू दोगे नहीं, आप मेरे को क्या दोगे, डेटा कलेक्शन में दोगे, वो का वो कलेक्शन मैं लूंगा, वो कलेक्शन को मैं यूज करके वो आपको भी मैं कलेक्शन में दूंगा। तो कलेक्शन से क्या होता है, डेटा इजिली यूज हो जाता है, एक्सेस करना एक्सेसिबल। अभी इस फॉर्मेट में मेरे को बताओ एक्सेस करना इजीली हो जाता है कि नहीं होता है, अगर मैं सारा डिस्प्ले पर आपको इस टाइप से फॉर्मेट करके बता दूं जैसे कि मैंने अभी बताया था लास्ट टाइम, तो फिर क्या आप उसको एक्सेस कर पाओगे। अब मैं आपसे बोल दूं कि मैंने को 1 से लगा के 10 तक की टेबल मेरे को प्रिंट करवानी है, पर यहाँ पर मेरे को सिर्फ 2 की ही टेबल चाहिए प्रिंट सारी, वो उसके बाद मैं पर्टिकुलर टेबल आपको बोलूं पूछने के लिए, तो क्या आप उसको इजीली दे सकते हो, बिना ऑब्जेक्ट के तो नहीं दे सकते, बिना ऑब्जेक्ट आप नहीं दे सकते हो ना, आपने तो प्रिंट करवा दिया, आपने तो सीक्वेंस में जमा के रख दी, और मैं आपको बोल दूं कि मेरे को आपको 2 की टेबल लाके दो, तो फिर से आप क्या करोगे, फिर से लूप लगाओगे, फिर से 2 की, या तो फिर से लॉजिक लिखने बैठोगे। पर इस वाले में क्या करना है आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना है, कंसोल लॉग पे अपने कौन सा करना है, कंसोल लॉग पे 2 को पास कर दो, बना बनाया ऑब्जेक्ट था मतलब हलवा बना हुआ था और अपने को सिर्फ क्या करना था, सर्व करना था, कलेक्शन बना हुआ था और अपने क्या कर दिया, सिर्फ सर्व करना, और उसमें क्या हो रहा था पता है, आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है, वो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको, चलो अब आपका आज का टास्क है कि आपको इसको यूजर से डेटा कलेक्ट करके लेके आना है, यूजर से मतलब यूजर पूछेगा कि उसको कहाँ तक की टेबल चाहिए और आपको टेबल प्रिंट करना है, जैसे अभी मैंने हार्ड कोडेड 10 तक प्रिंट कर दी, अगर यूजर बोल देगा कि मेरे को 100 तक की टेबल चाहिए तो आपको 100 तक का लेके आना, 100 तक की टेबल लेके आना, कॉन्सेप्ट यही है, आपके सामने खुला हुआ रहेगा, आपको उसको यूज कर सकते हो, देख के आपको करना है, सिर्फ यूजर से डेटा लेके आना है। अब यूजर से डेटा लेके आएंगे तो हम कैसे लेके आएंगे, मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में सिखाया था कि यूजर से डेटा कैसे, प्रॉम्प्ट के थ्रू, और वो ब्राउजर साइड रन होगा, क्योंकि यूजर कहाँ आता है, ब्राउजर साइड आएगा जहाँ पर उसका इंटरफेस मिलेगा, ठीक है ना। तो बनाओ HTML के अंदर, बनाओ आप इसको HTML के अंदर बनाओ, ठीक है, आ गया समझ में आपको, ठीक है, आप इसको करोगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।